पवन और मोहित दो दोस्त थे। पवन एक शरीफ इंसान था और वो नाव चलाने का काम करता था। वहीं मोहित एक बहुत ही असभ्य व्यक्ति था जो बस इधर उधर घूमता रहता था। एक बार मोहित कहीं चोरी करता है और उसे ऐसा करते हुए पवन देख लेता है। वो अपने दोस्त को सुधारने के लिए सच्चाई का साथ देता है। जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मोहित ने चोरी करी थी। मोहित को 2 साल की जेल हो जाती है। वो अपने मन में बदले की भावना लेकर जेल चला जाता है और इधर पवन उसके लिए प्रार्थना करता है कि वो सुधर जाए और अच्छी जिंदगी गुजारे। पापा, मोहित अंकल कहाँ चले गए? कहीं नहीं मुन्ना, वो आ जाएंगे। तू चिंता ना कर, तू ये बता, तू खाएगा क्या? मैं दाल चावल खाऊंगा। ठीक है, अभी बनाता हूँ। पवन की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वो अपने बेटे मुन्ना के साथ ही अकेले रहा करता था। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और मोहित जेल से छूट कर आ गया। तू आ गया मेरे भाई, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं, तेरी वजह से तो मैं सुधर पाया हूँ, वरना शायद जिंदगी भर गुंडागर्दी ही करता रहता। ऐसा है तो अच्छी बात है, आ जा बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। मोहित पवन के सामने ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर उसके मन में बदले की आग जल रही थी। वो पवन को किसी भी तरह से परेशान और बर्बाद करना चाहता था और उसे ये मौका बहुत जल्दी मिल भी जाता है। अरे मुन्ना, तेरी तो तबीयत एकदम ही बिगड़ गई है, चल तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ। हाँ पापा, पता नहीं अचानक क्या हो गया। अस्पताल दूसरे गांव में था, जहाँ जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, इसलिए पवन फौरन नदी किनारे पहुँचता है और अपनी नाव में बैठकर चल देता है। पर तभी वो देखता है कि उसकी नाव में छेद है। अरे, मेरे नाव में छेद कैसे हो गया? मुझे अब किसी और से मदद लेनी पड़ेगी, मोहित से बात करता हूँ। पवन मोहित से बात करता है, पर मोहित कहता है कि अब वो नाव चलाने का काम नहीं करता। तो उसके बाद वो बाकी नाव वालों के पास जाता है, पर वो सभी उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। आज तेरी कोई मदद नहीं करेगा पवन, मैंने सबको मना कर दिया है। आज तेरा बेटा मरेगा तो तुझे तड़पता देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। पवन अपने बेटे के साथ वही नदी किनारे बैठ रो रहा था और बाकी सब जा चुके थे। तभी नदी में से एक मछली किनारे पर आती है। पवन उसे देखकर समझ जाता है कि वो भूखी है। अरे, मेरी जेब में तो सिर्फ ये मिर्च ही है, लो ये खा लो। वो मछली अचानक एक जल परी में परिवर्तित हो जाती है और कहती है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो पवन, इतने कष्ट में होते हुए भी तुम दूसरों की भूख के बारे में सोच रहे हो। मैं तुम्हें एक जादुई नाव दे रही हूँ, जाओ अपने बच्चे की जान बचा लो। ये कहकर वो जल परी उस मिर्च को नदी में फेंकती है और अगले ही पल वो मिर्च एक जादुई मिर्च नाव बन जाती है। पवन बहुत खुश होता है और जल परी का धन्यवाद करके अपने बेटे को नाव में बिठाता है। 2 सेकंड में वो उस पार पहुंचता है, पर तभी वो देखता है कि उसका बेटा ठीक हो चुका है। अरे मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया? हाँ, मैं एकदम तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, शायद ये इस जादुई मिर्च नाव का कमाल है। हाँ, तू सही कह रहा है, ये सब उस जलपरी ने किया है। नहीं पापा, ये सब आपके दया भाव की वजह से हुआ है। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर जब मोहित पवन की नई नाव देखता है तो वो बहुत खिसिया जाता है, पर अच्छे होने का नाटक करते हुए उसके बारे में पूछता है। अरे, तुम्हारे पास ये अजीब सी नाव कहाँ से आई? ये मेरी जादुई मिर्च नाव है। पवन मोहित को नाव के बारे में पूरी बात बताता है। मोहित को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो नाव को खत्म करने की प्लानिंग बनाने लगता है। पर इधर पवन उस जादुई मिर्च नाव से अच्छी कमाई करता है, क्योंकि अब वो 1 सेकंड में लोगों को नदी के उस पार पहुंचा दिया करता था। साथ ही उसकी नाव के शेप को देखकर भी लोग उससे आकर्षित होते थे। पवन भैया, तुम्हारी नाव तो सबसे अद्भुत है। हाँ सही कहो। अरे बस, ये तो आप लोगों की सेवा के लिए ही है। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पवन देखता है तो पता चलता है
कि एक औरत का बच्चा नदी में डूब रहा था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हे जादुई मिर्च लाओ, तूने मेरी बहुत मदद की है, पर आज इस बच्चे की मदद कर दे और उसे बचा ले। पवन का इतना कहना था कि वह जादुई मिर्च नाव उस बच्चे के पास जाती है और उसे अपने अंदर बैठाकर किनारे पर ले आती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जादुई मिर्च नाव का बहुत धन्यवाद करते हैं। भला हो तुम्हारी जादुई मिर्च नाव का पवन, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पवन की इतनी तारीफ होती देखकर मोहित जल भून जाता है। अब वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो इस नाव को नहीं छोड़ेगा। जब सब चले जाते हैं तो वो उस नाव में छेद कर देता है, पर अगले दिन नाव सही सलामत होती है। अरे ये कैसे हुआ, मैंने तो उसमें छेद कर दिया था, खैर आज उसको तोड़ ही डालूंगा। उस दिन जब सब चले जाते हैं तो वो जादुई मिर्च नाव को तोड़ देता है, पर अगली सुबह वो नाव फिर से सही सलामत मिलती है, तो उस दिन वो नाव को छुपा देता है, पर अगले दिन फिर वो अपनी जगह पर खड़ी मिलती है। अब मोहित का दिमाग खराब होने लगता है, उसे एक आइडिया आता है और वो पवन के पास जाकर कहता है, यार पवन मुझे तेरी जादुई नाव की जरूरत है, दे सकता है क्या? हाँ जरूर, ले जा। मोहित उस जादुई मिर्च नाव के पास जाता है और उसमें बैठकर उसे कहता है, मुझे हिमालय पर ले चलो। एक दो सेकंड तक कुछ नहीं होता तो वो दोबारा बोलता है, ए जादुई मिर्च नाव, पवन ने मुझे अनुमति दी है तुझे प्रयोग करने की, तो चल मेरी बात मान। मैंने कहा मुझे हिमालय पर लेकर चल और फिर मैं तुमसे कहूंगा कि कभी वापस मत आना। जादुई मिर्च नाव मोहित के मन की बात समझ जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो एक झटके के साथ पलट जाती है और मोहित पानी में गिर पड़ता है। मोहित चिल्लाने ही वाला होता है तभी वो नाव उसे दोबारा उठाती है और ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ देती है। मोहित एक छपक की आवाज के साथ नदी में गिरता है, फिर नाव उसके ऊपर आकर गिरती है और उसे डुबाने लगती है। बचाओ बचाओ, ये नाव मुझे मार डालेगी, बचाओ। मोहित की आवाज सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम जादुई नाव, रुक जाओ, मेरे दोस्त को छोड़ दो। जादुई मिर्च नाव मोहित को किनारे पर पटक देती है। अपनी इस नाव को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मैंने इसका कुछ भी नहीं किया पर आज ये मुझे मार ही देती। तभी अचानक जादुई मिर्च नाव बोल पड़ती है, पवन ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। इसने हर संभव कोशिश की मुझे खत्म करने की, पर जब नहीं कर पाया तो मुझ पर छलांग लगा रहा था। ये नाव बोलती भी है, मुझे माफ कर दो पवन, मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, पर अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने जो भी किया था तुम्हारे भले के लिए ही किया था, खैर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन के बाद से मोहित और पवन मिलजुल कर रहने लगते हैं।